राजस्थान में चल रही वृद्धावस्था पेंशन योजना में एक और फर्जीवाड़ा आया सामने। मृत हो चुके लोगों के खाते से भी उठाई जा रही है पेंशन। 150 करोड़ से अधिक पेंशन उन लोगों के खाते में गए जो राजस्थान से नहीं है। एमडीएस यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा गार्ड का जिम्मा पूर्व सैनिकों की जगह निजी ठेकेदारों को देने पर कर रहे विरोध। मौके पर सिविल लाइन थाना पुलिस पहुंची। कुलपति को ज्ञापन देने पर पुलिस और छात्रों के बीच हुई कहासुनी। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर अजमेर जिले के ब्यावर में भी देखने को मिला। तेज बारिश व तूफान के चलते ब्यावर रोडवेज का बड़ा फैसला। ब्यावर से जोधपुर और पाली मार्ग की बसें की स्थगित। मुख्यालय से मिले आदेशों के बाद मुख्य प्रबंधक ने किया आदेश जारी। अगले आदेश तक ब्यावर से जोधपुर और पाली मार्ग की रोडवेज रहेगी बंद। सीनियर टीचर एग्जाम के कई सब्जेक्ट की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करवाने की आखिरी तारीख है आज। ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकेंगे आपत्ति। अजमेर शहर में 3 दिन से हो रही है बारिश। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरा शहर हुआ जलमग्न। निचली बस्तियों में भरा पानी। बारिश होने से बिजली ट्रिपिंग की बड़ी समस्या। लोग हो रहे हैं परेशान। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर आज पहुंचेंगे अजमेर। बिपरजॉय तूफान से प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। कल दिन भर हुई बारिश से जलमग्न हुए इलाकों का करेंगे दौरा। सुबह 11 बजे अजमेर पहुंचेंगे राठौर। अजमेर में अलर्ट के बावजूद बिजली की रही समस्या। घंटों बिजली गुल रहने से लोगों को हुई परेशानी। भाजपाइयों ने टाटा पावर पर लगाया लापरवाही का आरोप। 2 दिन का दिया अल्टीमेट। बिपरजॉय तूफानी बारिश से अजमेर जेएलएन अस्पताल में हर जगह भरा पानी। मरीजों को दूसरे वार्ड में किया शिफ्ट। परिजनों को जांच करवाने में हो रही है दिक्कत। जयपुर रोड पर अचानक हुए रोडवेज बस के ब्रेक फेल की वजह से बस चढ़ी डिवाइडर पर। गनीमत रही न हुई कोई जनहानि। शहर में हो रही तेज वर्षा। सूचना मिलने पर आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर भी पहुंचे। दिगंबर जैन महासंघ एवं अन्य गौरक्षक संस्थाओं ने गौमाता के निर्यात के विरोध में कलेक्टर को मोदी के नाम सौंपा ज्ञापन।